स्वागत है आपका जनता दरबार न्यूज में और आप देख रहे हैं खबरें एक झलक में। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आज स्वच्छता अभियान के तहत रिजर्व पुलिस लाइन से सिंधी कैंप तक सफाई की। इस अभियान में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर टीम शामिल रही। इस दौरान 200 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर सफाई की। जयपुर द्रव्यवती रिवर फ्रंट नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने शनिवार को द्रव्यवती नदी सफाई एवं सौंदर्यकरण अभियान के तहत श्रमदान किया। उन्होंने स्कूली बच्चों और आमजन के साथ मिलकर नदी की सफाई की और स्वच्छता का महत्व समझाया। इस अवसर पर मानसरोवर जोन के उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा, पार्षद, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। महापौर ने बच्चों को गीले और सूखे कचरे के बारे में जानकारी दी और स्वयं प्लास्टिक थैलियां, बोतलें और अन्य कचरा उठाकर डस्टबिन में डाला। मिलकर द्रव्यवती नदी के पास में स्वच्छता श्रमदान का कार्यक्रम किया, जिसमें श्रमदान के अंदर स्वेच्छा से आए हुए आसपास के लोग और स्कूल के बच्चे, जिन्होंने आपने देखा होगा कि आधे घंटे के अंदर पूरा द्रव्यवती के चारों ओर कचरे को भाग भाग कर इतनी तीव्र गति के साथ में इन्होंने साफ कर दिया। अगर ये बच्चे और हमारे शहरवासी ठान ले कि हमें अपना शहर साफ चाहिए, तो मुझे लगता है कि 10 मिनट में अगर यहाँ की सफाई हो सकती तो हमारा पूरा शहर भी, शहरवासी अगर ठान लेंगे तो स्वच्छ होगा। और इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, उसकी घोषणा लाल किले से की, ताकि वो उनका संदेश देशवासियों के मन में और संकल्प के रूप में प्रतिबद्धित होकर और वो शहर को साफ करें, अपने देश को स्वच्छ बनाएं। जयपुर के पास बजरंग दल की राष्ट्रीय बैठक में देश भर के सभी प्रांतों के 100 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में बजरंग दल के नेताओं ने बताया कि लव जिहाद और ममतांतरण जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए त्रिशूल दीक्षा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन फिर से शुरू किया जाएगा। परांदे ने यह भी बताया कि पिछले साल संसद में दी गई जानकारी के अनुसार हर साल लगभग 13 लाख महिलाएं लापता होती हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह नहीं कह रहे कि सारी महिलाएं लव जिहाद का शिकार होती हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकांश महिलाएं लव जिहाद की शिकार हो सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने 7 में से 6 सीट बचाने की चुनौती है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से भाजपा के पास पहले केवल 1 ही सीट थी। हम उस पर जीतने के साथ ही जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस से सीटें छीनेंगे। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी से जुड़े सवाल के जवाब में भी कहा कि आस्था से खिलवाड़ पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, जिसकी उच्च स्तरीय पर जांच होकर दोषियों को दंडित करने की जरूरत है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने निर्देश दिए कि अधिकारी आदिवासी कल्याण को केंद्र में रखकर कार्य करें। उन्होंने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में क्रियान्वित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने का आह्वान किया। राज्यपाल बागड़े ने उदयपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक जनजाति समुदाय और गरीब वर्ग की आय नहीं बढ़ेगी, समेकित विकास नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हर गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। लघु उद्योग भारती और राजस्थान प्रदेश उद्यमी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में उद्यमियों की भूमिका और प्रदेश में उद्योगों के विकास पर चर्चा की गई। आज नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इसके अलावा उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, वन मंत्री संजय शर्मा और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई सहित लघु उद्योग भारती से जुड़े कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती एक दिवसीय प्रवास पर जयपुर देहात दक्षिण जिले में रहे, जहां उन्होंने प्रवास के दौरान भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के तहत दूदू विधानसभा के मंडल दूदू दक्षिण के गांव मोजमाबाद में बूथ पर अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया एवं गाँव के आमजन से जनसंपर्क कर मिस कॉल के माध्यम से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग व अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान के तहत रसद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि विभाग के प्रवर्तन दस्ते ने
किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र के पचकोड़िया में अवैध भंडारण किए गए 47 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए उत्कर्ष लेडी सर्विस ऐप ने एक अनूठा मंच प्रस्तुत किया है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो विभिन्न सेवाओं जैसे मेहंदी आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, कोरियोग्राफर, होम ट्यूटर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स कोच और म्यूजिशियन के रूप में काम करती है। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सेवाएं जीरो कमीशन और जीरो जीएसटी के साथ उपलब्ध कराई जाती है। इससे महिलाओं को अपने काम का पूरा लाभ मिल सकता है बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के। ये हमने एक संकल्प लिया है कि हम भारत की महिलाओं को सशक्त बनाएंगे और ये एप्लीकेशन उन महिलाओं के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों से है, ठीक है, और वो कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं जैसे कि मेहंदी आर्टिस्ट हो गया, कोरियोग्राफर, होम ट्यूटर, ब्यूटीशियन, कोरियोग्राफर, जिम ट्रेनर, ऐसी कई अनेक सर्विसेज हैं जिनसे हम कोई भी तरह का कमीशन जीएसटी नहीं लेते हैं। एक मिनिमम चार्जेस के साथ एक्सेस करना है उनको, तो लाइफ टाइम उनको फ्री है। उनको लोगो रेडी करके देना, उनका बैनर्स रेडी करना, उनको एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरफ कन्वर्ट करना, तो हमने एक संकल्प लिया है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा ने अवैध डेयरी के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी सख्त कार्रवाई जारी रखी। उपायुक्त राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज फिर चौगान स्टेडियम के पास अवैध रूप से बांधी गई गायों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान 50 गायों को पकड़कर हिंगोनिया गौशाला भेजा गया। इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस प्रशासन और सतर्कता शाखा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे अवैध रूप से बांधी गई गायों को मुक्त कराने में सफलता मिली। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। खबरें एक झलक में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे और खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।